नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है। ठीक है, देखिए ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो आपको एक अच्छा रिजोल्यूशन, ठीक है, एक अच्छा रिजोल्यूशन आपको मॉनिटर पे, आउटपुट डिवाइस पे आपको वो देता है। ठीक है, तो जैसे हम LCD मॉनिटर यूज करते हैं या फिर CRT मॉनिटर हम यूज करते हैं या फिर हम LED मॉनिटर यूज करते हैं, अभी नया IPS पैनल में जो LEDs आए हैं वो हम यूज करते हैं, जो अभी लेटेस्ट मॉनिटर्स आते हैं वो सब हाई रिजोल्यूशन मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है, और जो अभी ग्राफिक्स भी जो गेम्स होती है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे CAD के सॉफ्टवेयर, CAD CAM के सॉफ्टवेयर हो गए, उसके बाद गेम्स हो गई, हाई ग्राफिक्स वाली गेम्स हो गई, उसके बाद कुछ डिजाइनिंग के 3D डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स हो गए, इनको चलाने के लिए हाई ग्राफिक्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि एक तो हमारे पास जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, उसके अंदर ग्राफिक्स होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए अभी लेटेस्ट मैं एक नॉर्मल रेंज वाला जो भी कंप्यूटर या सॉरी जो लैपटॉप आते हैं उसके अंदर आपको 2GB ग्राफिक्स जो है वो मिल जाता है। एक्चुअली वो ऑप्शनल है, वो आप पर डिपेंड करता है, विदाउट ग्राफिक्स भी, मतलब इंटेल HD ग्राफिक्स के साथ भी मिलता है और ड्यूअल ग्राफिक्स के साथ भी मिलता है। जैसे इंटेल HD ग्राफिक्स प्राइमरी रहेगा और जो सेकेंडरी जो है ग्राफिक्स वो आपका रहेगा एक तो NVIDIA या फिर रेडियन। ठीक है, ओके, तो देखिए होता क्या है कि हमें अगर ये पता होना जरूरी है हमें कि ग्राफिक्स एक्चुअली करता क्या, कैसे काम कैसे करता है। ठीक है, मतलब इसको लेना क्यों जरूरी है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो भी लेटेस्ट गेम है, सॉफ्टवेयर है, तो देखिए आप अगर विदाउट ग्राफिक्स वाले PC में अगर कोई हाई ग्राफिक्स गेम चलाते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, 3D या फिर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर कोई चलाते हो आप, 2D 3D डिजाइनिंग का, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जॉब आप मूव करते हो, ठीक है, तो मूव करते समय वो जो जॉब है वो आपको मल्टीपल इमेजेस में आपको दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ऐसे क्लियरली आपको कोई भी एक चीज है, ठीक है, जैसे भी एक चीज है यहां से मैं उठा के यहां पे, ये क्लियरली आपको दिख रहा है अभी इस वीडियो में आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ये अगर मैं आपको, अगर आपको ऐसे दिखती है, ऐसे एक एक करके दिखती है ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है, एक वन बाय वन स्लाइड, ये आपको जैसे स्लाइड्स मूव हो रही है ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ग्राफिक्स जो है, जो वीडियो आप देख रहे हो वो आपके ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत चाहिए, जरूरत होती है। ठीक है, तो ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके पास डेस्कटॉप PC है, तो आपको एडिशनली ग्राफिक्स कार्ड लगाना होता है। ठीक है, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को आप एडिशनली ग्राफिक्स लगा सकते हो, लेकिन वो आपको इजीली मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो जो PCMCI जो कार्ड होता है उसके साथ वो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर वो है आपके पास तो आपका काम बन सकता है। ठीक है, अगर नहीं है वो पोर्ट, या फिर अगर आपके लैपटॉप में वो पोर्ट नहीं है, या फिर आपके लैपटॉप में वो कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं, और ये चीज़ें ये जो होती है वो लैपटॉप में ज़्यादातर नहीं होती, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लैपटॉप नया ले रहे हो और आपको ग्राफिकली ज़्यादा काम करना है इसके अंदर, तो एडिशनली जो ग्राफिक्स होता है
2 GB वाला, वो आपको लेना चाहिए ठीक है, क्योंकि इससे प्राइस बढ़ता है आपका 2-3 हज़ार से, वो आपको लेना चाहिए ठीक है। देखिए अब मैं एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है मेरे पास, और ये लैपटॉप के मदरबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे देखिए ये प्रोसेसर है, और ठीक प्रोसेसर के बाजू में ही आपको ये चिप दिखाई देगा ठीक है, और जिस चिप के बाजू में ये 2 IC आपको दिखाई देगी, ये आगे भी हो सकते हैं और यहाँ पे उसके ठीक उसके पीछे भी, देखिए यहाँ पे ये पीछे भी है और ठीक इसके यहाँ पे आगे भी है ठीक है। ये होती है वीडियो रैम जो सपोर्ट करती है इस चिप को ग्राफिक्स प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है। तो देखिए ये ग्राफिक्स ऑन बोर्ड होता है इस मदरबोर्ड के साथ ठीक है, इसको एडिशनली हम नहीं लगा सकते ठीक है, लेकिन जो हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड होता है, इस डेस्कटॉप मदरबोर्ड को जो ग्राफिक्स होता है ठीक है, अगर ये थोड़ा पुराना मदरबोर्ड है तो यहाँ पे आपका GMCH होगा, यानी ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब, ये देख रहे हो आप, ये हीट सिंक इसके नीचे, इसके ठीक नीचे आपको GMCH मिलेगा, और ये आपको ग्राफिक्स प्रोड्यूसिंग का काम करता है ठीक है। अगर ये यहाँ पे नहीं है ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, तो प्रोसेसर के अंदर ही वो ग्राफिक्स कार्ड जो होता है, ग्राफिक्स चिप जो होता है वो डिजाइन होता है ठीक है। तो वो जो इसके अंदर जो ग्राफिक्स होता है वो इंटेल HD, यानी ये वो प्राइमरी ग्राफिक्स होता है ठीक है, लेकिन आपको एडिशनली जो ग्राफिक्स लगाना होता है 1 GB 2 GB 4 GB ठीक है। वैसे तो अभी 512 MB पहले मिलते थे लेकिन अभी बंद हो गए, लेकिन फिलहाल तो 1 GB मिलेगा, 2 GB मिलेगा, 4 GB मिलेगा ठीक है, यहाँ तक आपको मिल सकते हैं ठीक है। और ये जो ग्राफिक्स कार्ड है, ये ग्राफिक्स कार्ड जो होता है ये हमें लगाना होता है, ग्राफिक्स कार्ड आपको ऐसा ही मिलेगा मार्केट में, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये VGA पोर्ट है ठीक है, एक्चुअली ये 120 MB का है, इसलिए आपको ये इसमें सिर्फ VGA पोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप अभी 1 GB लेते हो, 2 GB लेते हो, तो यहाँ पे आपको एक HDMI पोर्ट भी आएगा ठीक है, यहाँ पे एक HDMI पोर्ट भी आपको मिलेगा ठीक है। तो HDMI पोर्ट से अगर आपका LED मॉनिटर है जिसमें HDMI इनपुट है, तो आप डायरेक्टली HDMI केबल से भी आप कनेक्ट कर सकते हो और अच्छा ग्राफिक्स आप देख सकते हो ठीक है। और अगर आपके पास LED टीवी है, LCD टीवी है, तो इस उसमें भी HDMI पोर्ट अभी आते हैं, तो डायरेक्टली आप इस ग्राफिक्स कार्ड से आपके जो घर पे अगर टीवी है तो टीवी पे आप ये लगा सकते हो, डायरेक्टली आप कंप्यूटर का डिस्प्ले आप देख सकते हो ठीक है। तो ऐसा होता है ये ग्राफिक्स, ये आपको मिलेगा एनवीडिया का, जो मैन्युफैक्चरर है एनवीडिया का भी मिलेगा, उसके बाद रेडियन का भी आपको मिलेगा ठीक है। तो ये दोनों ग्राफिक्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और इन्हें आप इनका कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगा आप लेकर आपके डेस्कटॉप पीसी में लगा सकते हो, और जो आपको डिज़ाइनिंग का काम करना है ठीक है, 3D का काम करना है या एनिमेशन का काम करना है, तो ये ग्राफिक्स कार्ड आप लगा सकते हैं ठीक है। लेकिन जब आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जाओ तो आपका जो मदरबोर्ड है डेस्कटॉप पीसी का, उस मदरबोर्ड के डिटेल्स आप लेके जाओ कि उस मदरबोर्ड के लिए ये ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट करेगा या नहीं, जो आपको प्रोवाइड करेगा वो आपको बता देगा कि ये आपके इस मदरबोर्ड को सपोर्ट करेगा या नहीं ठीक है। तो परचेस करने से पहले उसके बारे में जानकारी आप जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 GB सपोर्ट करता है, 2 GB सपोर्ट करता है, 4 GB सपोर्ट करता है, ये डिपेंड होता है आपके मदरबोर्ड पे, डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे ठीक है। तो आप ये जो मदरबोर्ड, ये जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, ये लगता है यहाँ पे इस मदरबोर्ड में जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट होता है ठीक है। मैं आपको दूसरा एक ठीक है, ये एक मदरबोर्ड है और यहाँ पे देख सकते हो आप ये PCI
एक्सप्रेस लॉट है, ठीक है, थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको मैं, ये क्या है, पीसीआई एक्सप्रेस लॉट, और यहाँ पे ये पीसीआई स्लॉट है ये, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो इस स्लॉट में लगेगा, मैं आपको लगाकर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो ग्राफिक्स कार्ड है अब ये लग गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको लगेगा इस स्लॉट पे, आपको देखना भी है, अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना है आपके डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए, आपको तो ये देखना है कि आपके पीसी में यहाँ पे पीसीआई एक्सप्रेस जो स्लॉट होता है, ठीक है, जो स्लॉट होता है यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक जो पुराना मदरबोर्ड है उसमें एक एजीपी स्लॉट भी होता है और उसमें भी ग्राफिक्स कार्ड लगते हैं, लेकिन वो पुराने वाला जो ग्राफिक्स कार्ड होता है वो लगता है, ठीक है। जो 845 मदरबोर्ड थे या फिर 915 मदरबोर्ड थे उसमें पीसीआई एक्सप्रेस नहीं थे, उसमें आपका एजीपी स्लॉट था, ठीक है। तो आपको जो अभी नए जो मदरबोर्ड है उसमें आपको यही पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट मिलेगा, ठीक है, और ये ग्राफिक्स कार्ड काम करेगा इस मदरबोर्ड के लिए। और जैसे आप इसको लगाओगे, तो लगाने के बाद देखिए अभी यहाँ पे जैसे अगर आपने ये ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लगा दिया, तो देखिए जैसे आप लगाओगे तो आपको जो आपका मॉनिटर का केबल है, जो आपका डिस्प्ले का केबल है, वो आपको लगाना होगा यहाँ पे इस विजय के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगने के बाद ऑटोमेटिकली आप ये आपका बंद हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ से लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केट से ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप के साथ मतलब ऑनबोर्ड जो ग्राफिक्स है वही आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि एडिशनल ग्राफिक्स जो है वो एक तो आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा मिलेगा, ठीक है। अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो और अगर आप ऐसा कोई डिज़ाइनिंग का हैवी वर्क करते हो तो आपको लैपटॉप लेते समय आपको विद ग्राफिक्स ही लेना होगा, ठीक है, वो बेटर रहेगा, ठीक है। और जब अगर आप कोई लैपटॉप लेते हो, ठीक है, अगर आप डिज़ाइनिंग का काम करते हो, हैवी ग्राफिक्स का अगर आप काम करते हो, तो देखिए लैपटॉप लेते समय आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है देखने की, तीन चीज़ें सॉरी, एक तो आपका फर्स्ट तो आपका प्रोसेसर, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर ही अभी जो इंटेल का प्राइमरी ग्राफिक्स आता है, ठीक है, और प्रोसेसर का कोर्स, ठीक है, वो आपका 2 कोर वाला है, 4 कोर वाला है या 6 कोर वाला है, ये आपको देखना जरूरी है। और आप ये कैसे देखेंगे, देखिए प्रोसेसर के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे अगर सेवन जनरेशन का आपका प्रोसेसर है तो वो रहेगा 720, 7400, ठीक है, और अगर आपका 8th जनरेशन का है तो 8200, 8100, 8400, और आपका 6th जनरेशन का है तो वहाँ पे लिखा रहेगा 6400, 6200, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली अगर आपको देखना है तो गूगल पे जाइए, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हो, आप गूगल पे जाकर सिर्फ उस प्रोसेसर का ये नंबर वहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे ही आप प्रोसेसर का नंबर डालोगे तो आपको आप सीधे इंटेल के वेबसाइट पे चले जाओगे, वहाँ से आप ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कितने कोर का है, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा कोर रहेंगे उतना ही आपका ग्राफिक्स भी अच्छा रहेगा, आपका प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छा रहेगा, ठीक है, और उस हिसाब से भी आपका जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है ग्राफिक्स की वो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो आने वाले नए वीडियो है वो आपको ईमेल के थ्रू मिलते रहे। तो देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स, थैंक यू।